देश में चिकित्सा विभाग की चलाई जा रहा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चौमू के चितवाड़ी इलाके में मावे की भट्टियों पर छापा मारा और टीम के आने के बाद मावा कारोबारियों में यहां हड़कंप मच गया। विभाग की टीम ने एक दर्जन से भी ज्यादा मावे की भट्टियों पर छापे मारे हैं, जहां से मावा बनाने के काम में आने वाला दूध पाउडर और सोयाबीन तेल को जब्त किया गया। वहीं परमानंद मावा भट्टी पर 25 किलो सिंथेटिक मावा भी नष्ट करवाया गया। आपको यह भी बता दें कि चौमू के चितवाड़ी इलाके में 2 दर्जन से ज्यादा मावे की भट्टियां हैं, जहां सिंथेटिक मावा बनाने की शिकायत लगातार चिकित्सा विभाग को मिलती है और त्योहारों के सीजन को देखते हुए विभाग अब सतर्क है। जी मीडिया संवाददाता प्रदीप सोनी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए सबसे पहले और बड़ा सवाल तो यही है कि अगर त्योहार के अलावा भी आए दिन आप इस तरीके से छापेमारी जारी रखेंगे, प्रशासन अगर अलर्ट रहेगा, चिकित्सा विभाग हमारा अलर्ट रहेगा, तो इस तरीके से धोखाधड़ी को अंजाम नहीं दिया जा सकता, जैसे सिंथेटिक मावा आप बना करके आए दिन लोगों के खाने में जहर मिला मिला करके उन्हें परोस रहे हैं, सिर्फ त्योहार के सीजन पे ही क्यों एक्टिव होती है हमारी प्रशासन? बिल्कुल प्रिया, ये सवाल लाजमी है और ये सवाल उठता है कि त्योहारी सीजन पे ही चिकित्सा विभाग अक्सर मावे की और दूध की कार्रवाइयां करता है। अगर समय रहते ये कार्रवाई की जाए तो शायद मिलावट पे अंकुश लग जाएगा। मैं आपको बता दूं कि चौमू इलाके में चितवाड़ी जो गांव है वहां तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा मावे की भट्टियां हैं और आज अल सुबह ही चिकित्सा विभाग की टीम वहां पहुंची है और दर्जन भर जो मावे की भट्टियां हैं उन पे कार्रवाई की गई है। वहां 25 किलो जो सिंथेटिक मावा बरामद हुआ है उसको नष्ट करवाया गया है। इसके अलावा मावा बनाने के काम में लिए जाने वाला पाउडर और सोयाबीन के तेल को भी वहां से बरामद किया गया है। जो सीएमएचओ है नरोत्तम शर्मा, उनके नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई हुई है। साथ ही एक बड़ी बात मैं बता दूं कि सबसे जो जब टीम कार्रवाई करती है तो उसकी जो सैंपल की रिपोर्ट है उसको आने में समय लगता है, क्योंकि जब तक वो रिपोर्ट आती है उससे पहले तो तमाम जो खाद्य पदार्थ बने हैं वो लोग खा पी कर उसे खा लेते हैं, लेकिन रिपोर्ट आने में समय लगता है। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि जो लेबोरेटरी है उनसे अगर समय पे रिपोर्ट आएगी तो शायद इसका खुलासा भी जल्द हो जाएगा। जी प्रिया, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और आइए